हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेघालीज फेवरेट कॉर्नर और मैं हूँ मेघाली। आईज आर मिरर टू आवर सोल। आंखें हमारे बारे में बहुत कुछ बोलती है। हम गुस्सा भी करते हैं तो हमारे आंखें एक्सप्रेस करती है। हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारी आंखें बोलती है। तो बहुत सारे इमोशंस हम आंखों के जरिए ही एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारी आंखें और उसके आसपास रहने वाली स्किन हमें बहुत ही मदद करती है। और आंखों के आसपास वाली स्किन भी हमारे बारे में बहुत कुछ बोलती है, जैसे हमारी लाइफस्टाइल के बारे में, हमारे एज फैक्टर के बारे में, हम हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, हम लेट नाइट सोते हैं या हमें डिहाइड्रेशन है, ये सभी कुछ हमारे आंखों के आसपास वाले स्किन से पता चलती है। तो हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ हमारे आंखों के नीचे वाली स्किन काले पड़ने लगती हैं, इनमें डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, क्रॉस फिट्स, फिर फाइन लाइन्स, ये सभी प्रॉब्लम्स दिखने लगती है। कभी हम सुबह उठते हैं और मिरर में जब देखते हैं कि आंखें घसी हुई है, टायर्ड दिख रही है, फ्रेशनेस नहीं है, तो भी बहुत बुरा लगता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप लोग होम रेमेडीज जरूर ट्राई करिए। मेरा डार्क सर्कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, जरूर फॉलो करिए। और होम रेमेडीज के साथ साथ आप लोग फेस योगा जरूर ट्राई करिए। फेस योगा बहुत ही इफेक्टिव है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कुछ फेस योगा एक्सरसाइजेस जिन्हें रेगुलर फॉलो करने से आपकी अंडर आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम, पफी आईज, फाइन लाइन्स, क्रॉस फिट्स और आंखें धंसने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आंखों के नीचे वाली स्किन अगर काफी ड्राई होती है तब भी हमारी आंखों के नीचे फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और इसी वजह से हमें आंखों के आसपास वाली एरिया मॉइस्चराइज करके रखने चाहिए। और फेस योगा करने के टाइम भी हम अपने आई एरिया को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे और उसके बाद ही हम फेस योगा स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑयल है वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप कोई भी ब्रांड का वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए, नहीं तो आप लीजिए ये आमंड ऑयल। ये दोनों ऑयल ही काफ़ी इफेक्टिव है आंखों की एरिया को ब्राइट बनाने के लिए, इनके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। आप इनमें विटामिन ई ऑयल भी मिला के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने पाम में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उनको मैं रिंग फिंगर से आई एरिया को थोड़ा मॉइस्चराइज कर लूंगी। ओके, डन। तो मैंने अपने आंखों को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। अभी फेस योगा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे फेस टैपिंग। सबसे पहले टैपिंग में हम मिडिल फिंगर लेंगे और इनर आई कॉर्नर में प्रेस करेंगे, हल्के हाथ से प्रेस करेंगे 5 सेकंड्स के लिए, फिर रिलीज करके रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर यूज करेंगे टैपिंग के लिए। ऐसे टैपिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसे फिर रिटर्न जाएंगे, फिर रिवर्स, एकदम रिलैक्स पोजीशन में करेंगे। ये एरिया जो है ये ब्यूटी मसल बोलते हैं इन्हें, और इन्हें प्रेस करने से भी काफी अच्छा है। और अपने थंब से हम इन्हें प्रेस करते हुए ऐसे ले जाएंगे। ऐसे थंब से प्रेस करते हुए हेयर लाइंस तक लेके जाएंगे। ऐसे प्रेस करेंगे और हेयर लाइंस तक लेके जाएंगे। अभी हल्के से रिलीज कर देंगे। इस प्रोसेस को आप 3 to 5 सेट्स में करिए, दिन में 2 बार। और इस प्रोसेस से आंखों के आसपास की जो स्किन है इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से हो जाती है
और आंखों की स्किन इम्प्रूव होती है। साथ में इस प्रोसेस से आंखों की जो स्ट्रेस है वो, जो टॉक्सिन है वो रिलीज होती है। अभी सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है आई मूवमेंट। इस एक्सरसाइज में हम पहले करेंगे आईज की मूवमेंट, जो नाम से ही पता चलता है। हम पहले अप एंड डाउन रोटेट करेंगे आईज को, और फिर राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट, इस तरह हम मूव करेंगे। तो आप देखिए, फोरहेड में कोई भी स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। इन ए रिलैक्स पोजिशन रिलैक्स होके करना है। फिर हाथ को फोरहेड में रखेंगे और आईज को क्लोज करेंगे, और आंखों को जितना बड़ा करके खोल सकते हैं। आईज ब्लिंक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आंखों को बंद करेंगे और हाथ को हटा देंगे। फिर आंखों को धीरे से खोलिए और रिंग फिंगर से मसाज करेंगे आईज के इनर कॉर्नर से सर्कुलर मोशन में। इससे आंखें रिलैक्स्ड होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। फेस योगा में हम ज्यादा मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों फिंगर हमारे ब्रेन के साथ रिलेटेड है। अभी आंखों के इनर कॉर्नर में हल्का सा प्रेस करके और हाथों को हटा के इंडेक्स फिंगर से ड्रैग करते हुए हम हेयर लाइंस तक लेके जाएंगे। हल्के हाथों से करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अभी हाथों को रिलीज कर देंगे। इस प्रोसेस को आप 3-5 सेट्स में करिए। इस प्रोसेस से आपकी आंखों की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है और आपकी आंखों के आई बैग्स, जो फ्लफी आईज होते हैं, वो भी दूर होते हैं। अभी नेक्स्ट करेंगे क्रो फिट प्रिवेंटर। इस प्रोसेस में हम दोनों फिंगर यूज करेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। फिंगर को लेंगे, आई एरिया में प्लेस करेंगे, रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और इनको पीछे हल्का सा ड्रैग करेंगे। बहुत ही हल्का, रिलैक्स्ड फॉरहेड, रिलैक्स्ड। टेन सेकंड ऐसे रुकेंगे। हमें बहुत दूर देखना है, एक चीज में हमको कंसेंट्रेट करना है। अभी आंखों को हल्का सा सिकुड़ना है। For 10 seconds, आंखों को बंद करते हुए हाथों को रिलीज कर देना है। इस प्रोसेस को भी हमें 3-5 सेट्स में करना है, दिन में 2 बार। इस एक्सरसाइज से आपके आंखों के साइड्स में जो भी फाइन लाइंस, रिंकल्स और क्रॉस फिट्स आ जाते हैं वो रिमूव होते हैं। अभी करेंगे सक्शन कप विथ पाम। इस प्रोसेस के लिए आप अपने पाम्स को पहले जोड़ लीजिए और रब करिए। इतना रब करिए कि इसमें हल्का सा गर्माहट आ जाए और इन्हें आंखों में प्लेस कर दीजिए और हल्का सा प्रेस करिए 5 सेकंड्स के लिए। झटके से पुल आउट कर लीजिए। और जब भी हम हाथों को आंखों में प्लेस करते हैं
और हल्का सा प्रेस करने के बाद पुल आउट करते हैं तो ये सक्शन का काम करता है। तो इससे जनरली आंखें हल्का सा पुल आउट होती है। तो मैं फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। हाथों को वार्म कर लीजिए और आंखों में प्लेस कर लीजिए। थोड़ा प्रेस करिए, 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करिए और पुल आउट कर लीजिए। फिर करिए, तो इन्हें आप 3 to 5 sets में करिए, दिन में 2 बार। तो इन फेस योगा एक्सरसाइजेस को आप घर में जरूर ट्राई करिए, सुबह और शाम को। सुबह और शाम को ही करना है, ऐसा कोई भी बाउंडिंग नहीं है, आप कोई भी टाइम कर सकते हैं। मैं खुद सुबह और शाम को करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, आप कोई भी टाइम जब भी फ्री हो उस टाइम कर सकते हैं। फेस योगा और होम रेमेडीज के साथ आप अपने डाइट पे जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ज्यादा इंटेक करिए, फिर पानी भी 2 से 3 लीटर आपको लेना है। विटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और आयरन डाइट फॉलो करिए। साथ में स्लीपिंग टाइम मेंटेन करिए, लेट नाइट मत सोइए और स्क्रीनिंग टाइम कम से कम यूज करिए। तो फेस योगा के ऊपर जो भी आज का वीडियो था आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो मैं फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई आइडियाज के साथ, कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।